तो राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कई अस्पतालों में तो बस कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन रिफिल सेंटर पर सिलेंडर के लिए पहुंचे इस व्यक्ति को सुनिए और देश का दर्द समझिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का दर्द है। दवाई के लिए चक्कर के दवा, फिर उसके बाद ये कह रहे कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ। सारे न्यूज आती है, फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कॉन्स्टेंट फेयर में, कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा। हो जाएगा यार, अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। करोना ही होगा ना, क्या होगी वह? कम से कम सारा बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन नहीं है इन सब पास। एक साल हो गया, मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने। मैं मुनि नाराम में आया, किसी भी हॉस्पिटल का बता दो ना आप मुझे। घूमते फिरे संत परमानंद में नहीं ले रहे, तीर्थ राम में नहीं ले रहे। हॉस्पिटल को रात भर फोन करके ना किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहा है। फोन उठा ले, फोन भी नहीं उठा के राजिए। अच्छा तो हाल कर रखा, रात भर हॉस्पिटल में घूमते फिर। और मायापुरी में ऑक्सीजन को लेकर क्या हालात हैं? कैसे लोग घंटों ऑक्सीजन के लिए कतार में लगे हैं? देखिए संवाददाता पूजा मक्कड़ की ये रिपोर्ट। देखिए स्थिति कंट्रोल से बाहर है विशाल, इस वक्त कोई भी औपचारिकता करना बेकार है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मरीज हैं। सुबह 10 बजे के लाइन में लगे हुए। हम अपने पेशेंटों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा सकते जब वहीं बेड खाली नहीं है, वो लोग एडमिट करने को तैयार नहीं है। हम अपने घर में क्वारंटाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है गैस मिलने को तैयार नहीं है। हम कहाँ जाएं? कोई सुनवाई है? अगर मैं इस वक्त किसी के भी माइक अगर लगा दूं तो आप इसी तरह की आवाजें सुनेंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट है, मैं आपको यहाँ की भी स्थिति दिखा देती हूँ। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सुबह से खड़े हुए हैं, किसी को ऑक्सीजन मिल पा रही है तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा है, जिसको नहीं मिल पा रही है वो यहाँ परेशान है। ऑक्सीजन प्लांट चलाने वाले अलग परेशान है। अब अस्पतालों ने साफ नोटिस चिपका दिए हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर मरीज को कुछ हो जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल के भी कर्मचारी खड़े हुए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन आप सोचिए विशाल, सुबह 6 बजे से जो व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ खड़ा है, उसको घर से फोन आ रहा है कि उसके जो मरीज हैं उसकी ऑक्सीजन डिप कर रही है, 60-70 पर आ गई है। ऐसे में अगर विशाल कोई ये ज्ञान देता है कि 90 से नीचे ऑक्सीजन जाने पर आप अस्पताल चले जाइए, मुझे नहीं लगता इस वक्त उस ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन की स्थिति ये है कि अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर्स, मरीज के तीमारदार जो घर में हैं, जो अस्पताल में हैं, वो लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी देर से आप खड़े हैं यहाँ पर? सुबह 9 बजे से सिलेंडर अंदर दिया हुआ है, लाइन लगा के पहले 2 घंटे बाहर खड़ा कर दिया, उसके बाद अभी नंबर आ जाएगा, बाहर चले जाओ। आप विशाल ये देखिए, ये प्लांट की भीड़ है और यहाँ पर आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर और बाहर क्या हाल होगा। लोगों को किसी तरह से अंदर आने से रोका जा रहा है, लेकिन जो प्लांट है वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करने के बाद अब एग्जॉस्ट है लगभग। यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडर को लेकर, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर जिसके भी आप हाथ में देखेंगे एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और वो इस उम्मीद से खड़ा है कि उसका जो मरीज है उसकी सांसें किसी तरह से थाम ली जाएं, किसी तरह से उस तक ये सांस पहुंचाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर भर कर पहुंच जाए। लेकिन बहुत से लोग सुबह 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से लाइन में खड़े हैं। ऑक्सीजन किसी को मिल पा रही है, किसी को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि यहां दूसरी तरफ आप देखिए, ये हॉस्पिटल की भी गाड़ियां खड़ी हैं और सरकारी अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की प्राथमिकता के हिसाब से यहां पर ऑक्सीजन दी जा रही है। तो ये गाड़ियां भी एक एक करके निकलती हैं, उसके बाद बीच बीच में किसी एक व्यक्ति का नंबर आता है। ये लाइनें जो हैं ये सुबह से लगी हुई हैं और जो लोग यहां पर खड़े हैं उनको पता नहीं है कि कब ऑक्सीजन मिलेगी। आपका भी कोई है जी, ये आप हॉस्पिटल से आए हैं? मैडम हॉस्पिटल से ही आए हैं और हम वेट कर रहे हैं बालाजी हॉस्पिटल। वहाँ क्या स्थिति है अभी ऑक्सीजन? वहाँ तो बुरा हाल है। बुरा हाल है? हाँ जी। तो आप भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन? हाँ जी, हम तो ये भरने के लिए खड़े हैं, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे? हाँ जी, 3 घंटे सिर्फ सिलेंडर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पेशेंट कहाँ पर हैं? मैम मेरे पेशेंट संजय गांधी में है, पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश में थे। जब उनकी हालत खराब हो गई तो उन्होंने संजय गांधी में ट्रांसफर कर दिया। अब वो ऑक्सीजन के लिए कह रहे तो मुझे 2 घंटा हो गया और अब इन्होंने बंद कर दिया भरना।
बिल्कुल, हम यहाँ पर सुबह से हैं विशाल, और यहाँ पर इतनी लंबी लाइनें थी कि अब जाकर ऑक्सीजन प्लांट ने भी हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि अब हम ऑक्सीजन ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं है, अस्पतालों की प्राथमिकता पहले नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो इस बात से परेशान है कि कईयों के मरीजों को घर भी अस्पताल भी नहीं मिला है, बेड भी नहीं मिला है, वो घर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 60-70 ऑक्सीजन पहुँच चुकी है और उस पर किसी तरह से सांसें गिन रहे हैं कि उन तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचेगा। ज़्यादातर लोग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो एक एक करके खाली सिलेंडर लेकर चले आ रहे हैं, कब भरेगा नहीं भरेगा, उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये सिर्फ एक प्लांट की स्थिति नहीं है। आप एक निवेदन है, खाली अपने वीडियो वालों को बोल दो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है वो जगह बता दे, बस इतना ही चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रोडी से सेक्टर 17 जा रहा हूँ, मेरे पापा बेड पे हैं, कहीं भी सीट नहीं मिल रही, कहीं भी जगह नहीं मिल रही, सारे हॉस्पिटल बड़े से बड़े हॉस्पिटल देख लिया, हाँ जी बहुत मुश्किल हो रहा है उनको, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एक कितनी ऑक्सीजन है अभी उनकी? 70 है। आप देखिए विशाल, ये आपके सामने है 70 ऑक्सीजन पर, इनके फादर घर पर हैं, इनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। तो जो सवाल आपने पूछा था, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में उसका जवाब मुमकिन है। अब राज्यों से ऑक्सीजन मंगाकर दिल्ली में तुरंत सप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हालात ये है कि हम वेस्ट दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ वहाँ से बहुत सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी यहाँ खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने अस्पतालों के बाहर ये बोर्ड लगा दिया है कि अपने मरीज को यहाँ ना लाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। वो लोग खुद सुबह से यहाँ लाइन में खड़े हैं ताकि हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आम आदमी भी सिलेंडर लेकर यहाँ पर खड़ा है, ये देखिए यहाँ पर सिलेंडर की कतार, अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो ये खत्म नहीं होगी, ये देखिए ये चलती चली जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप इस लाइन को देखकर अंदाजा लगाइए कि डेस्परेशन किस हद तक है। ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनके मरीज इस वक्त घर पर मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वो ऑक्सीजन असल में कहां मिलती है। ये मायापुरी के एक बहुत बड़े ऑक्सीजन प्लांट के बाहर का हाल है, यानी लोग सीधे वहां पहुंच चुके हैं जहां पेड़ से फल को तोड़कर खाया जा सकता है, लेकिन यहां सामने पेड़ भी है और फल भी है, लेकिन सिलेंडर इतने हैं कि हर किसी के लिए पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के राठी अस्पताल से, यहां कोरोना के मरीजों के लिए सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों का क्या होगा इसको लेकर रिश्तेदार डॉक्टर सभी परेशान हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स खुद मुंडका इलाके में ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके, लेकिन बेहद तनाव में डालने वाली ये स्थिति है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं सर, आप भी इंतजार कर रहे हैं, क्या है सर, क्या क्या? सर मैं एक्चुअली भोटी के हॉस्पिटल चारिंगार बाग से आया हूँ, 20 टाइप सिलेंडर लेके आया था और LMO हमारी खत्म होने वाली है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है अभी इस समय, तो बहुत परेशान है। अभी भी 20 सिलेंडर लेके आया हूँ, तो उन्होंने 7 सिलेंडर देने की भी बात कही है मेरे से। कब से इंतजार कर रहे थे? सुबह से आया हुआ हूँ सर, कोई मतलब अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है अभी, कभी ये लिस्ट बना देते हैं, कभी कुछ करते हैं, गाड़ियाँ आने से भी शिफ्ट हो रही हैं इसमें। देखिए तो यही समस्या है, जो अलग से लोग आए हुए हैं उनके साथ जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर सिलेंडर पहुँच रहे हैं, उनसे कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द जो मरीज हैं उन तक पहुँच पाए, कोशिश है कि जल्द से जल्द जो पेशेंट्स हैं घरों पर भी जिनको जरूरत है उनको मिल पाए। लेकिन कब से आए हुए हो सर जी? सुबह से आए हुए हम। क्या कहा, क्या इन्होंने? सुबह 6 बजे से आए हुए सर जी, अभी तक तो नंबर आया नहीं है, कह रहे हैं अभी नंबर आ जाएगा, अभी नंबर आ जाएगा। देखिए ये सारा वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हालात किस तरीके के हैं, जो पीछे एम्बुलेंस भी आपको नज़र आ जाएंगी जो कि इंतज़ार कर रही है, वो जो परिजन पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि जो परिजन इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे भी। कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप, कितनी देर हो गई? तकरीबन 3-4 घंटे तो हो गए। 3-4 घंटे हो गए और हॉस्पिटल में क्या हालात है अभी, ऑक्सीजन की डिमांड? सर मुश्किल से एक सिलेंडर बफर बचा हुआ है पेशेंट्स के लिए। बफर बचा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं? नहीं है। कितने पेशेंट्स हैं उस हॉस्पिटल में अभी? सर 30। 30 हैं लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल मतलब ऑक्सीजन और लगभग 4 घंटे से तो आप यहीं खड़े हैं, हॉस्पिटल की तरफ से भी फ़ोन आ रहे होंगे बार बार की जल्द से जल्द। देखिए वही ये सब। और देश भर में ऑक्सीजन की कमी के बाद एक अहम फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है,
हम फैसला करके अगले आदेश तक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए राज्यों में उनके मूवमेंट को सुनिश्चित किया जाए। तो जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही थी, उसके बाद गृह मंत्रालय का एक अहम फैसला, देश भर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि आज से अगले आदेश तक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, अगले आदेश तक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है गृह मंत्रालय ने। तो देश भर में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद गृह मंत्रालय का एक अहम फैसला, फैसले के मुताबिक आज से लेकर अगले आदेश तक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए राज्यों में उनके मूवमेंट को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और अब आपको दिखाते हैं एक डॉक्टर की बेबसी। दिल्ली के शांति मुकुंद में किस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि वो मरीजों को मरते हुए देख रहे हैं और ये बताते हुए वो रोने लगे, ये तस्वीरें आपको बहुत परेशान करेंगी, लेकिन इस वक्त यही हकीकत है। सर वही मैं प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं हम्बली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को जितनी जल्दी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मैंने अभी उनको इनॉक्स वाले को फोन किया, बोला रात को 9 बजे देंगे, रात को 9 बजे देंगे, ठीक है। मैं इस समय पेशेंट को क्या करूंगा अगर इनॉक्सीजन नहीं है? मैं जिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि देवर हेयर फॉर पिकनिक, देवर देवर सफरिंग? नो, देयर इज नो वे आई कैन कवर इट टिल 9, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिक्वेस्टेड माय डॉक्टर कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हो सकते हैं उनको डिस्चार्ज कर दे, जो कहीं और जा सकते हैं उनको और सर्जरी कैंसिल कर दी हैं, जो पेशेंट जो मेरे पास सिलेंडर पड़े हैं उनको बेड साइड पे ले गया हूं ताकि उनको उनकी दिस स्टॉप विल नॉट लास्ट। ना एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।